हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसने कल आपको टॉप स्टोर बीएचयू पाठशाला का फर्स्ट रैंक वीडियो जा चुका है, आप लोग उसको देखे होंगे। आज जा रहा है बीएचयू पाठशाला का एक और रैंक होल्डर है ईडब्ल्यूएस फर्स्ट रैंक आदित्य सिंह, जो कि ऑलरेडी चैनल से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारा है कट ऑफ लिस्ट ऑफ पीजी 2020। ध्यान रखिएगा, यूजी स्टूडेंट भी इसको देखिएगा क्योंकि ये बात सभी लोग के लिए कॉमन होने वाला है और बीएचयू का बहुत बड़ा डिसीजन है और एक कल शाम को आया हुआ अपडेट है जो मैं आपको ऑफिशियली पहुंचा रहा हूं। सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, इस चैनल पे बने रहिएगा क्योंकि बीएचयू पाठशाला पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू काउंसलिंग जाने वाला है। और आज मैं बात करने वाला हूं कि एक सीट पे कितने बच्चों को बुलाया जाना है, कैटेगरी वाइज एक सीट पर कितने बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि ये बात अच्छे से दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि काउंसलिंग लेटर इशू होने का मतलब कतई नहीं होता है कि उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। काउंसलिंग लेटर इशू होने का मतलब यही है कि आप कट ऑफ के अंदर आए हुए स्टूडेंट हो। बीएचयू और इलाहाबाद का अगर कंपैरिजन करके मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये बात समझ में आ जाएगी आपको कि इलाहाबाद जो है वो कई बार कट ऑफ लिस्ट निकालता है। आप देखे भी होंगे उसका कई बार ऐसे वर्ड यूज किया जाता है, राउंड वन का कट ऑफ, राउंड टू का कट ऑफ, राउंड थ्री का कट ऑफ, ऐसे करके मिनिमम 5-6 कट ऑफ उनके आते हैं। लेकिन बीएचयू ऐसा नहीं करता है, बीएचयू एक बार में ही एक सीट पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ा के बुला लेता है कि एक ही बार में उनकी क्लासेस प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाए। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं इसीलिए बोलता हूं कि वीडियोज मेरे छोड़ा मत करो। अगर आप डेली रूटीन पे मेरे वीडियोज को वॉच करोगे तो आप खुद ही देखोगे कि आप काउंसलिंग के मास्टर हो जाओगे। आपको खुद समझ में आने लगेगा कि बीएचयू कैसे काउंसलिंग कराता है, बीएचयू क्या करता है, क्या कैसे ला रहा है, कब ला रहा है, ये पूरी चीज आपको समझ में आएगी। जरूरी है कि काउंसलिंग के आने वाले पूरे वीडियोस को आप देखो और इसी पे जल्दी से इसको कर दो लाइक, क्योंकि बीएचयू पाठशाला आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन देता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं जनरल, क्या लिखता हूं जनरल, यहां पे लिख देता हूं ओबीसी, यहां पे लिख देता हूं एससी, यहां पे लिखता हूं एसटी, चलिए मैं ईडब्ल्यूएस भी लिख देता हूं, अभी ईडब्ल्यूएस मैंने नहीं नोट किया है। तो इस बार जो पीजी की काउंसलिंग डिपार्टमेंट मेन डिपार्टमेंट में होने वाली होनी है, ध्यान रखिएगा जो पीजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं और जो यूजी के स्टूडेंट होते हैं वो फैकल्टी से रिलेटेड होते हैं। फैकल्टी बड़ा है, पीजी छोटा है, मीन्स फैकल्टी बड़ा है, डिपार्टमेंट छोटा है, ध्यान रखिएगा। ये बातें आपको मैं बाद में समझा दूंगा। देखिए जनरल कैटेगरी के लिए जो इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बुलाया जाना है वो क्या है, जनरल कैटेगरी एक सीट पे 4 बच्चों को बुलाया जाना है। कितने बच्चों को बुलाया जाना है, 4। ओबीसी पे 1 बच्चों को 4 बुलाया जाना है, ये ध्यान रखिएगा। मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूं, मेन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। और एससी 7 टाइम्स बुलाया जाना है, अगर एससी स्टूडेंट है उसके एक सीट पे 7 लोगों को बुलाया जाना है, एसटी भी 7 लोगों को बुलाया जाना है, और जो ईडब्ल्यूएस है वो 4 टाइम्स बुलाया जाना है। इसके पहले एक सीट पर 3 लोगों को ही बुलाया जाता था, ये बात आज एकदम क्लियर हो गई कि बीएचयू जो है अपने कुछ पॉलिसी में चेंजेस कर दिया। अभी ये कल का न्यूज है, कल का अपडेट है। लेकिन अगर मैं एफिलेटेड की बात करूं, तो एफिलेटेड में टोटल सीट पे एक सीट पे 7 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा, चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एसटी का हो, एससी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, एक सीट पर 7 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा, एक सीट पर 7 लोगों को बुलाया जाएगा। इससे आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि इस बार ज्यादा बच्चों को बुलाए जाने के चांसेस हैं। उसका रीजन है क्योंकि जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं लो गया है, वो चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग कराएं और जो मेरिट लिस्ट में फाइनली टॉप पर आए उसको एडमिशन मिल जाए। प्लीज डेली बेसिस पे वीडियोस को वॉच करो, कोई भी स्किप नहीं करेगा, पूरे चीजों को समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता है कमेंट्स करो, मैं वहां पर रिप्लाई करूंगा, और आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम होता है मुझे बताओ, मैं ऑफिशियली इंफॉर्मेशन निकाल के आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपके आसपास कोई भी बच्चा न्यू सेशन पे एडमिशन लेना चाहता है 2021 के लिए, बेहिचक आप उनको सजेस्ट करो बीएचयू पाठशाला, बीएचयू पाठशाला को ज्वाइन करें। और बीएचयू पाठशाला पे न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है 16 अक्टूबर से, और हम लोग की क्लासेज ऑफलाइन में भी 1 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है, जो जैसे मर्जी पढ़ना चाहे उसको हम पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें सहयोग दो, मैं आपको सहयोग दूंगा। और इसी के साथ अच्छी सी स्माइल, जय कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। गाइस मैं एक बार फिर से बता दूं कि काउंसलिंग लेटर इशू होने का मतलब कतई नहीं होता है कि आपका एडमिशन कंफर्म है, इसका मतलब यही होता है कि आप अंडर द कट ऑफ हो और आपको बुलाया गया है, मे बी आपके चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।